दोस्तों हाल ही में बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ है, जिसमें एल्विश यादव विनर बने तो फुकरा इंसान के नाम से मशहूर अभिषेक मल्हान दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता दे दोस्तों कि अभिषेक मल्हान एक यूट्यूबर के साथ साथ गेमर और म्यूजिशियन भी है। कॉमर्स से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले अभिषेक मल्हान ने कड़ी मेहनत और लगन से यूट्यूब की दुनिया में अपना नाम कमाया है। साल 2019 में फुकरा इंसान नामक यूट्यूब चैनल से शुरुआत करने वाले अभिषेक मल्हान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और यही कारण है कि बिग बॉस के घर में एक समय ऐसा लग रहा था कि अभिषेक मल्हान अन्य सभी प्रतियोगियों को हराकर आराम से बिग बॉस का विनर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ कि विजेता खिलाड़ी रनर अप बनकर रह गया और एल्विश यादव ने बाजी मार ली। दरअसल दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि अभिषेक मल्हान के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन जब एक इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तब उसके साथ ऐसा ही होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ अभिषेक मल्हान के साथ। दरअसल उन्होंने बिग बॉस के अंत में अपने आप को इस तरीके से प्रमोट किया कि वो बिग बॉस जीतने ही वाले हैं, उनके अलावा इस शो को और कोई जीत ही नहीं सकता, बस अब बिग बॉस को उन्हें ट्रॉफी देकर अपना फर्ज पूरा करना है। यहाँ तक कि अभिषेक ने बिग बॉस के बारे में ये तक बोल दिया कि उनकी वजह से बिग बॉस की फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई है, और एक तरह से उन्होंने बिग बॉस में आकर बिग बॉस का काफी भला किया है। बस फिर क्या था दोस्तों, उनका यही बड़बोलापन उन पर भारी पड़ गया और वो बिग बॉस पर दूसरे नंबर पर रहे। वैसे दोस्तों बात चाहे जो भी हो, लेकिन अभिषेक मल्हान कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी के हकदार जरूर थे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप एच के मोटिवेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।